एंड इस फ्रेम को मैं बहुत ही ज्यादा मिस करने वाला हूँ। तो गाइस ये चेक करो, ये मेरी नई बाइक, कमेंट में जरूर बताना कि बाइक कैसी है। तो गाइस अपनी बाइक है, कैनियन का फ्रेम है जो कि फैबियो वगैरह के पास है। ये तो गाइस अभी हम रोड पे करने वाले हैं कुछ स्टंट, इन छपरियों को देखो, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे हो सभी लोग, होप करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी प्रैक्टिस ट्रैक से। एंड अगर तुमने पिछला व्लॉग देखा होगा तुमको थोड़ा सा सीन पता होगा कि मेरी जो मेरिडा बाइक है उसका फ्रेम टूट गया है, तो बड़ा सीन हो गया मेरे साथ। एंड मैंने सोचा कि बहुत टाइम के लिए प्रैक्टिस भी रुक जाएगी एंड आपके लिए व्लॉग भी शूट नहीं कर सकता, तो मैंने थोड़ा सा मतलब जुगाड़ कर दिया। मेरे पास एक घर पे एक फ्रेम पड़ा हुआ था तो मैंने अपनी बाइक फिर से बिल्ड कर ली। एंड डायरेक्ट मैं तुमको अपनी बाइक दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। तो गाइस ये चेक करो, ये मेरी नई बाइक, कमेंट में ज़रूर बताना कि बाइक कैसी है। इसका फ्रेम चेक करो तुम एंड बाकी पार्ट्स भी चेक करो। ये मेरी ख़तरनाक न्यू बाइक, सॉरी गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये बाइक है इस बंदे की। एंड कौन कौन पहचानता है इस बाइक को, ये मेरी फर्स्ट बाइक, फर्स्ट नहीं बोलूँगा मतलब MTB मेरी फर्स्ट थी एंड फिर मैंने इसको ये दे दी। एंड ये अभी भी मस्त चल रही है, मतलब ये इस पर थोड़े से ट्रिक्स वगैरह करता है, ये तो सही चलती है। तो एंड डायरेक्ट मैं तुमको दिखाता हूँ अपनी न्यू बाइक, तो लेट्स गो। तो गाइज मेरी बाइक है, तो ये है मेरी बाइक। तो गाइज अपनी बाइक है, तो गाइज अपनी बाइक है। तो गाइज मजाक के बिना डायरेक्ट दिखाता हूँ, तो अपनी न्यू बाइक है ये कैनियन। एंड जल्दी से कमेंट में बताओ मेरी बाइक कैसी है। एंड ये चेक करो, ये कैनियन का फ्रेम है जो कि फैबियो वगैरह के पास है, ये वही बाइक है, मतलब ऐसा ही फ्रेम है। फिर से मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये एक हाई फ्रेम है, अलॉय वाला फ्रेम, बहुत ही सही फ्रेम है, बट इस पर प्रोफेशनल पेंट हुआ है, ये चेक कर लो। एंड इस पर कैनियन वगैरह के स्टीकर है एंड इसका नाम ही आज से कैनियन है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा है। मैं तुमको इसका थोड़ा सा सीन बताता हूँ, तो यही फ्रेम तो मैंने न्यू लगाया है एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है बाइक के वो सेम है जो कि मेरिडा में लगे हुए थे वो मैंने चेंज कर दिए। एंड गाइस ये बताना कि ये जो ब्लू मतलब फोक है ये मैच होता था मेरिडा के साथ, मतलब वाइट के साथ, एंड इसका थोड़ा सा कलर दूसरा है, तो कमेंट में बताना कि ये मैच होता है कि नहीं। अगर आप बोलोगे तो इस पर मॉडिफिकेशन भी करेंगे बहुत सारे, इसके फोक का कलर वगैरह चेंज करेंगे, तो आप अगर बोलोगे तो हम वैसा भी कर सकते। तो चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि तुम मेरे वीडियोस कभी भी मिस ना करो। एंड अभी मैं जा रहा हूँ इसको टेस्ट करने, इस पर ट्रिक्स वगैरह करेंगे, देखेंगे कि होते कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मतलब ये हाई फ्रेम है, मैं पहले करता था लो फ्रेम पे, मतलब सभी जो आते हैं वो हाई फ्रेम से लो पे आते हैं, मेरा उल्टा है, मैं लो से हाई पे गया हूँ, तो दिक्कत थोड़ी सी होने वाली है, पर क्या करेंगे, ये MTB स्टंट है, मतलब हमें गिव अप नहीं करना है, हमें अपना काम कंटिन्यू करके मतलब करते रहना है। तो बस अभी डायरेक्ट चलते हैं, ट्रिक्स वगैरह स्टार्ट करते, देखते होते कि नहीं, तो लेट्स गो। तो गाइस पहले मैं इसका थोड़ा सा रैप बचा हुआ है वो उतारता हूँ एंड जो इसका खोलने जोड़ने का पार्ट है वो आपको आगे दिखेगा ही। एंड ये चेक करो, मतलब आगे का जो रैप था वो मैंने उतार दिया है, बस पीछे का ये है ये भी उतारते, तो बस तुम देखते रहो ये भी उतारते। तो गाइस यहाँ पे एक मौली साहब थे, वो नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उस स्टंट देख रहे थे, उसने बोला एक वीडियो बना रहा हूँ मेरे साथ, तो तुम देख लो क्या वीडियो है। भाई ये चेक करो, जब मैंने स्टंट स्टार्ट करे थे तो मेरे पास ऐसी एक बाइक थी जिस पे मैं व्हीली करता था, तो अभी देखते हैं इस पे होती है कि नहीं।
ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਫਰਾਉਡ ਮੰਨਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰ ਫਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਦਿਸੇ ਫੇਰ ਮਹਿਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੂਤੇ ਆ ਪੁੱਤੇ ਆ ਤੇਰੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਠਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਤ ਮੰਨਦੇ ਤੂੰ ਬਾਈ डायरेक्ट ट्राई करते कुछ टिप्स हैं ये तो यहाँ पे खेल रहे क्रिकेट तो ये कभी प्रैक्टिस करने नहीं देते बट करते कुछ जुगाड़ तो लास्ट में भाई थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है मतलब ये फ्रेम तो बड़ा ही है बट दो तीन दिन में हो जाएगा प्रैक्टिस इस पे हाफ बैठेगा तो फिर से मतलब ट्रिक्स अच्छी अच्छी होंगी तो तुम देख लो अभी हम रोड पे करने वाले कुछ स्टंट इन छपरियों को देखो ये देखो छपरी मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये देखो गाइस तो अभी रोड पे हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता बिल्कुल सही ट्राई करेंगे मतलब अंदर वो बच्चे खेल रहे वो कुछ करने नहीं देते तो यहाँ पे कुछ ट्राई करते एक लॉन्ग व्हीली करेंगे और सर्फिंग करेंगे तो देखते रहो लेट्स गो Did you don't know who to trust? So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know. Straight to the depths of hell is where them caps gone. Well, all you steal, damn nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I five double low, dance, smoking flashy rings. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope beam. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. Hey, my surfing me or really me, thoda sa control aa chuka hai. बाकी अभी स्ट्रैपी भी ट्राई करेंगे देखते हैं कि होती है कि नहीं तो लेट्स गो Somebody pass all eyes on me little life of a thug nigga until the day I die little life of a boss तो भाई स्ट्रैपी ट्राई करी थी लेकिन हुई नहीं बिल्कुल भी तो क्योंकि इसका जियोमेट्री थोड़ा सा अलग है पर दो तीन दिन में हो जाएगा कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ मतलब व्हीली और ये जो एक्रोबैटिक ट्रिक्स है वो तो हो जाएंगी पर स्ट्रैपीज में दिक्कत होगी तो भी करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी देर तो भाई अब तुम डायरेक्ट देख लो इसको मैंने असेंबल कैसे किया मतलब पहले मैंने मैरिडा को किया डिसअसेंबल फिर इसको तो वो तुम देख लो घर पे वो सीन है पूरा तो वो तुम चेक कर लो पहले तो गाइस अभी मैं साइकिल को डिसअसेंबल करने वाला हूँ एंड गाइस ये जो फ्रेम है ना इसको मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा क्योंकि पता ही है एक ऐसा फ्रेम है जो मेरी वीडियोज़ देखते होंगे एंड टूल्स का डब्बा हमारा आ गया है ये देखो जो भी टूल्स मुझे चाहिए वो अवेलेबल है यहाँ पे तो बस तुम जल्दी से टाइम लैप्स देखो फाइनली मेरी साइकिल डिसअसेंबल हो चुकी है ये देख सकते हो एंड भाई अपना फ्रेम पड़ा है यहाँ पे एंड इस फ्रेम को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ मतलब ये जो फ्रेम है ना मतलब क्या बोलूँ ये क्या फ्रेम था इतना लाइट है एंड देख ही सकते हो क्या हुआ था मतलब इस फ्रेम को तो अब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा और मतलब यहाँ पे टिक वेल्डिंग होती नहीं और टिक वेल्डिंग का छोड़ो इसका एक पोर्शन भी टेढ़ा हो गया एंड उसको अब ठीक करना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बाकी पार्ट्स इधर पड़े एंड व्हील सेट इधर एंड फोक एंड कॉकपिट इधर पड़ी है तो बस साइकिल हो चुकी है डिसअसेंबल एंड अब मेरे को नई साइकिल मतलब असेंबल करनी है पहले तो आपने देखी होगी एंड अभी मैं आपको फ्रेम भी दिखाता हूँ मतलब अलग से एंड उधर से हो रही है अजान क्योंकि आज है जुमा एंड जल्दी से थोड़ा सा काम कर लेता हूँ उसके बाद नमाज पढ़ने भी जाना है तो बस मिलते हैं तो गाइस अपना न्यू फ्रेम पड़ा हुआ है उधर एंड एक्चुअली ये फ्रेम तो मैंने दूसरी साइकिल के लिए लिया था मतलब मैंने सोचा था कि और एक साइकिल बिल्ड कर दूंगा पर पता नहीं था ऐसा कुछ होगा तो जल्दी से उसको मैं अनबॉक्स करता हूँ
तो गाइस फ्रेम को अनबॉक्स कर लिए, देखा ही होगा है, तुमको दिखाता हूँ मैं। तो ये अपना फ्रेम तुमने तो देखा होगा पहले, लेकिन अलग ये ऐसा लगता है। तो फ्रेम तो ये बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा है कि मतलब ये हाई फ्रेम है, वो वाला तो शॉर्ट फ्रेम था, मतलब स्टंट्स के लिए वो बेस्ट है, पर अब जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या करेंगे। एंड इस तरफ के रैपर तो मैंने अभी हटाए नहीं है, तो वो फुल बाइक रेडी होगी तभी मैं हटाऊंगा। तो बस अभी तो यही सीन्स है। तो गाइस ये चेक करो, मैं अभी फ्रेम में फोक वोक लगा के देख रहा था कि बाइक का लुक कैसा आएगा, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो आपने पहला पार्ट देखा वीडियो का वो तो डे टू के दिन शूट हुआ, एंड अभी है डे वन, तो देखते हैं कैसा लुक आता है, अभी तो मेरे को नहीं पता। एंड मैं नहीं चाहता कि ये पार्ट्स मैं ऐसे ही लगाऊं, क्योंकि ये थोड़े से गंदे हो रखे हैं, तो मैं इनको वॉश करके इसमें फिट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ये फ्रेम जो है न्यू ही है, तो पार्ट्स में थोड़ी सी मतलब डस्ट वगैरह लगी हुई है, एंड व्हील में व्हील भी गंदे हुए हैं, तो बस इनको मैं जल्दी से वॉश करके फिट कर लेता हूँ, एंड आपको शॉर्ट तो देखने को मिलेंगे, तो लेट्स गो। तो गाइस सब कुछ फुल पावर रेडी है, मतलब पार्ट्स को मैंने वॉश कर दिया, ये चेक कर सकते हो, पार्ट्स को मैंने वॉश कर दिया अच्छे से, एंड बस कुछ ही पार्ट्स रह गए, जैसे कि फ्रेम ये हैंडल वगैरह ब्रेक्स, एंड बाकी पार्ट्स वॉश हो चुके, एंड बस अभी हम स्टार्ट करते हैं बाइक को असेंबल करना, तो तुम टाइम लैप्स को एंजॉय करो, तो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मतलब मेरी बाइक जो 80% वो रेडी हो चुकी है, मतलब मैं पूरे 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, टाइम लैप्स में तो पता नहीं चलता। ये चेक करो अपनी बाइक, वो जो है 80% लगभग रेडी है, ये चेक करो बाइक का लुक कैसा है। तो बस अब कुछ ही काम बाकी है, जैसे कि चेन लगानी है एंड पिछली ब्रेक ठीक करनी है, बाकी आगे वाली ब्रेक भी सेट होगी, एंड गियर्स वगैरह की केबल वगैरह लगानी है, एंड बाकी जो बाइक है वो तो लगभग रेडी है, एंड बाकी चेक करो इधर पड़ा है सारा सामान। तो बस अभी के तो यही सीन्स है, तो मैं बाकी काम भी ख़त्म करता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो बस भाई वीडियो को कर रहा हूँ एंड, तुमने थोड़ा मतलब पूरा सीन चेक करा होगा, एंड ये तो ज़रूर से बताना कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन साइकिल पे करनी चाहिए या नहीं, एंड ये जो फोक का थोड़ा सा मतलब कलर मैच करता है कि नहीं, ये तो ज़रूर से बताना, फिर तो मतलब फोक का थोड़ा सा रैप वगैरह करवाएंगे। एंड बस ये व्लॉग यही तक था, कभी व्लॉग अच्छा बनता है कभी उतना अच्छा नहीं बन पाता, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो बस अभी मिलेंगे हम दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड, टू बाय।